शहर में कोरोना का कहर आए दिन बढ़ रहा है। हर रोज कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 50 से 55 के बीच का है, लेकिन फिर भी नागरिकों में जागरूकता नहीं दिख रही है। और इसके मद्देनजर सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे इन्होंने शहर के कॉटन मार्केट परिसर का जायजा लिया, साथ ही मास्क वितरित कर मार्केट परिसर के व्यापारियों व ग्राहकों में कोरोना को लेकर जन जागृति की है। इस दौरान हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे इनसे खास बातचीत की है, आइए डालते हैं एक नजर। उनका कहना यही था कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और ऐसी भीड़ जमा ना हो, उसके जरिए गोले पाड़ के रखिए। वो हमने पाड़े थे, अभी आज ही नहीं है तो कल से और कर देंगे। वो भी व्यवसाय पे तो असर पड़ना ही ना मैडम, पड़ ही रहा है। देखिए आप भी समझते हैं, असर तो बहुत पड़ा है व्यवसाय पे। हम पूरा ध्यान रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। पब्लिक को हम बोल के थक जाते हैं, हमने तो बोर्ड भी लगा के रखे, मास्क नहीं तो माल नहीं। उसके बावजूद भी हमको अब हमने ध्यान कस्टमर पे देना चाहिए कि उनके ऊपर देना चाहिए, उनका भी काम है कि ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे जी है। आज जो है आप मास्क वितरण जो है कॉटन मार्केट परिसर में कर रहे हैं, क्या बता सकते हो? आप देख रहे हो यहाँ की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए, जिस तरह से उपराजधानी नागपुर में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, यहाँ की परिस्थिति को देखते हुए आप क्या कहोगे? मुझे लगता है पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाना जरूरी है। लोगों को ऐसा लगता है कि मास्क नहीं पहनने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर ये जो चेन हमें ब्रेक करनी है तो इसका संक्रमण हमें रोकना पड़ेगा। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग जरूरी है। काफ़ी सारे लोग खुद होकर भी मास्क पहनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केयर नहीं करते। दुकानों में जाकर एक डिस्टेंस लाइन होना चाहिए, वो भी नहीं है। पब्लिक को खड़े होने के लिए जगह होना चाहिए, वो भी नहीं है। हम लोग प्रयास करेंगे, व्यापारियों के साथ में हम लोग हैं, लेकिन व्यापारियों ने भी हमारा साथ देना जरूरी है। इसलिए व्यापारियों से हम चर्चा कर रहे हैं आज, और व्यापारियों के माध्यम से अगर कोई ग्राहक बिना मास्क के दुकान में आता तो उसे माल ही वितरित न करो, इस तरीके से हम लोग आह्वान करने वाले हैं। और साथ ही साथ में जो लोग बिना मास्क पहने उन्हें मास्क भी पहनाने वाले। ये तो बात हुई व्यापारियों की, लेकिन जो हाथ ठेले वाले हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ एक के बाजू में एक हाथ ठेले लगाए हुए, वहाँ किसी भी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ठेलों पर भी काफी भीड़ हो रही है, इसके लिए आप क्या कर सकते? अगर कोई साम दाम दंड भेद चारों के चारों जो औजार है हमारे पास में है, अगर कोई प्यार से नहीं समझता तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए हमारी टीम भी साथ में है। हम कोशिश यही करेंगे कि लोग खुद होके समझे, लोग खुद होके इस जो ये पैंडेमिक है इसकी सीरियसनेस को समझे, और साथ ही साथ में इसका प्रचार और प्रसार रोकने में हमारा सहयोग करें। बिल्कुल, आखिर का विकल्प लॉकडाउन हो सकता है? हमारा मानना है कि लॉकडाउन ये विकल्प नहीं हो सकता है। लॉकडाउन के बदले कड़क निर्बंध होना बहुत ज़रूरी है, जैसे और जो नियमों का पालन होना बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन ये पर्याय नहीं हो सकता, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो भीड़ उमड़ती है उससे और ज़्यादा प्रचार और प्रसार होता है, ये हमारे देखने में आया है। इसलिए रूटीन लाइफ चलती रहे, और रूटीन लाइफ में हम लोग सारे के सारे पैंडेमिक नियमों का पालन करें तो निश्चित तौर पर इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो जिस तरह से लॉकडाउन ये आखिर का विकल्प नहीं है, सिचुएशन को देखते हुए जो है सबने सतर्कता बरतना यही ज़रूरी है, ऐसा सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे इन्होंने कहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।